आई रिपीट, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है और अगर आप चीजों को बेटर विजुअलाइज कर पाते हो तो आप आराम से इस सेट को सॉल्व करके ले जाओ। तो देखते हैं क्या कह रहा है। एन एजेंसी इंटरेस्टेड टू एक्रेडिट कॉलेजेस लुक्स एट फोर पैरामीटर्स। क्या क्या पैरामीटर हैं? फैकल्टी क्वालिटी, रेपुटेशन, प्लेसमेंट क्वालिटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। द फोर पैरामीटर्स आर यूज टू अराइव एट एन ओवरऑल स्कोर विच द एजेंसी यूजेस टू गिव एन एक्रेडिटेशन टू द कॉलेज। ठीक है। इन ईच पैरामीटर देर आर फाइव पॉसिबल लेटर ग्रेड्स आर गिवन, राइट। ईच कैरिंग सर्टेन पॉइंट। ए है 50 पॉइंट, बी है 40 पॉइंट, सी है 30 पॉइंट, डी है 20 पॉइंट एंड एफ है 0। अच्छा जी, फिर द ओवरऑल स्कोर फॉर अ कॉलेज इज वेटेड सम ऑफ द पॉइंट स्कोर्ड इन द फोर पैरामीटर। ठीक है। और वेट्स दे रखे हैं, ए का वेट है 0.1, बी का है 0.2, फिर है 0.3 और फिर है 0.4 इन सम ऑर्डर, बट द ऑर्डर इज नॉट डिस्क्लोज। मतलब यार ये जो एफ आर पी आई है, राइट, शॉर्ट फॉर्म में, ये इनमें से एक एक वेट लेगा, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, पर अगेन ऑर्डर स्पेसिफिक नहीं है। ठीक है। फिर उसके बाद कह रहा है यार ओवरऑल स्कोर अगर इस रेंज से इस रेंज के बीच में है तो ये एक्रेडिटेशन मिलेगा, ये सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट। अब क्वेश्चन देख लो, कह रहा है फैकल्टी क्वालिटी पैरामीटर का क्या वेट है। कह रहा है हाउ मेनी कॉलेजेस हैव ओवरऑल स्कोर बिटवीन दिस एंड दिस बोथ इंक्लूसिव। फिर व्हाट इज द हाईएस्ट ओवरऑल स्कोर अमंग द एट कॉलेजेस। फिर हाउ मेनी कॉलेजेस रिसीव द एक्रीडेशन ऑफ ट्रिपल। ठीक है, ये चार है, तो यार डिकोड करते हैं सेट को। आई वुड सजेस्ट आप वीडियो को पॉज करके कोशिश करो सॉल्व करने। क्या कह रहा है देखो, इट इज नोन दैट इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल स्कोर हाई क्यू इज बेटर देन बेस्ट ए, राइट। हाई क्यू और बेस्ट ए, ठीक है। कह रहा है हाई क्यू जो है वो बेस्ट ईडी से बेटर है। अच्छा जी, फिर बेस्ट ईडी इज बेटर देन कॉस्मोपॉलिटियन। सो यार बेस्ट ईडी दैट इज दिस इज बेटर देन कॉस्मोपॉलिटियन विच मीन्स दिस, राइट। फिर आगे कह रहा है एजुकेशन एड इज बेटर देन ए, राइट। एजुकेशन एड इज बेटर देन ए, राइट। तो यार आप देखो, राइट, एजुकेशन एड बेटर कह रहा है वन से, राइट। मैं इस वाले मुझसे स्टार्ट करना चाहूंगा, राइट। पूरा ऑब्जर्वेशन का खेल है, ये एजुकेशन एड, ये ड्रॉ हो रहा है, राइट। मतलब ए है, ए है, तो एफ का कोई भी बेटो फर्क नहीं पड़ता, राइट। ये भी ए है, ये भी ए है, राइट। तो अब ए वन और एजुकेशन एड में जो पी और आई पैरामीटर, ये ए है, ये बी है, ये बी है, ये ए। अब जो डिफरेंस आएगा ना वो यहीं पर आएगा क्योंकि बाकी सारे पैरामीटर के स्कोर सेम। तो यार अगर एजुकेशन एड बेटर है ए वन से, तो यार ऑब्वियस सी बात है आपका जो आई पैरामीटर है उसका वेट ज्यादा होगा, राइट। आई का वेट ज्यादा होगा जब ही, तो एजुकेशन एड ए स्कोर करेगा और आई का वेट ज्यादा है कंपेयर टू बी, राइट। तो स्कोर और बेटर निकल के आया, राइट। एफ और आर का सेम है तो कुछ सेंस बनता नहीं है, राइट। अब ये हो गया हमारा क्लू। अच्छा जी, अब बेस्ट एड इज बेटर देन कॉस्मोपॉलिटी। यार बेस्ट एड इज बेटर देन कॉस्मोपॉलिटी। अच्छा जी, अब देखो यहाँ पे ड्रॉ हो रहा है, अगेन कुछ सेंस नहीं बनता। यहाँ पे ड्रॉ हो रहा है, अगेन कुछ सेंस नहीं बनता। अच्छा, अब ये देखो आर के पैरामीटर में क्या क्या है। ये है, ये है, ये है, ये है। अब मुझे बेस्ट एड को बेटर करना है कॉस्मोपॉलिटन से, तो यार ऑब्वियसली क्या होगा, आर की वैल्यू ग्रेटर देन आई होगी। तो मतलब यहाँ पे लिख दें तो आर इज ग्रेटर देन आई इज ग्रेटर देन पी, राइट। सो ये भी हो गया। अब हाई क्यू इज बेटर देन बेस्ट एड, बेस्ट एड और हाई क्यू, राइट। थोड़ा सा मैं रब कर दे रहा हूँ जिससे कि यहाँ पे कंफ्यूजन। अब देखो हाई क्यू बेस्ट एड, राइट, ये ड्रॉ हो रहा है तो कुछ सिग्निफिकेंस बनता नहीं है। मुझे ये भी पता है क्या कि आर इज ग्रेटर देन आई इज ग्रेटर देन पी, मतलब आर का वेट ज्यादा है आई से जो कि और ज्यादा है पी से, राइट। तो देखो यार क्या आर ज्यादा है आई से पी से, राइट। तो अभी आर का वेट अगर ज्यादा है और बेस्ट एड बेटर स्कोर कर रहा है कंपेयर टू डी, राइट, मतलब कंपेयर टू हाई हाई क्यू, राइट। और मुझे ये भी पता है कि हाई क्यू बेटर है, राइट। तो अगेन कुछ सिग्निफिकेंस बन नहीं रहा, मतलब कि कहीं और मुझे वेट ज्यादा देना पड़ेगा, राइट। देन उसके बाद आई पे देखो, आई पे क्या है, जो ये बंदा है बेस्ट एड, ये कम स्कोर कर रहा है और हाई क्यू वाला ज्यादा कर रहा है आई पे, ठीक है। अब मेरा बचा पैरामीटर एफ, पैरामीटर एफ, ठीक है। अब यार मुझे हाई क्यू को बेटर करना है इससे बेस्ट एड से, राइट। तो ये जो एफ वाला पैरामीटर है इसमें मैं कम से कम वेट देने की कोशिश करूंगा जिससे कि हाई क्यू का कम नुकसान हो, राइट। और कुछ हमारे हाथ में नहीं है, बस ये, क्यों, क्योंकि क्यू का, क्योंकि हाई क्यू का जो वेट है, हाई क्यू का जो ग्रेड है वो ऑलरेडी कम है कंपेयर टू बेस्ट एड इन एफ, तो इसे अगर मैंने यहाँ पे रख दिया ना एफ,
तो इसका मैक्सिमम वेट हो जाएगा और हाइकिंग को काफी ज्यादा नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए मैं क्या करूंगा, इसलिए मैं एफ को ही ना दूंगा। तो ये कुछ इस तरह से वेट्स रहेंगे। आप इसे प्रैक्टिकली वैल्यू से भी देख सकते हो, कैसे, बेस्ट एट हाई क्यू, राइट। तुम्हें कंपेयर करना है पैरामीटर एफ जो कि है बी, एक है सी, राइट। अच्छा जी, इसके बाद यार तुम्हें पता है क्या, आर इज ग्रेटर देन आई इज ग्रेटर देन पी, राइट। आर पी आई, राइट। तो यार आर को देखो, आर क्या है यहाँ पे, सी डी डी एंड डी डी, पी तो करोगे ही नहीं कंपेयर टोटल रैंक निकालते हुए, राइट। आर और आई को करोगे, राइट। तुम्हें पता है आर ऑलरेडी ज्यादा है, राइट। अगर कोई नंबर ऑलरेडी ज्यादा है किसी का वेट और एक्चुअल ग्रेड उससे मल्टीप्लाई होगा, राइट, तो यार वो ऑब्वियसली ज्यादा रिजल्ट देगा, मतलब बी की वैल्यू ज्यादा आएगी। तुम्हें रखनी है हाई क्यू की वैल्यू ज्यादा, राइट। तो इसका मतलब क्या होगा यार, तुम्हें कहीं और कुछ तगड़म करना होगा। अच्छा जी, सिमिलरली आई पे आओ। आई पे क्या हो रहा है, अगर आई पैरामीटर पे तुम वेट दे रहे हो, राइट, जो कि कम है आर से, ठीक है, तो बी का कम है एच का ज्यादा है, तो यहाँ पे एच को फायदा हो जाएगा, राइट। पर अभी तुम्हें क्या करना है, एच को जिताना है, राइट। तो यार ऑब्वियसली क्या करोगे, ये वाला जो पैरामीटर है इसमें कम से कम वेट दोगे जिससे एच को कम से कम नुकसान हो, राइट। अब ये तुम मैनुअली वैल्यूज लेके भी कर सकते हो, जैसे बी को क्या वेट दे रखे थे, राइट, बी का कितना दे रखा था, बी आपका 40 पॉइंट्स का है, राइट, बी 40 का है, तो इसे 40 पॉइंट है, सी कितना 30 है, ये 20 एंड ये आपका 40, राइट। अब यार तुम्हें पता है आर आई और एफ को कंपेयर करना है, राइट, तो क्या करो यार, आई को वेट लेके देखो, तुम्हें पता है आर इज ग्रेटर देन आई, राइट। तो एक काम करो, एक बार एफ को मिनिमम रख के देखो, क्योंकि तुम्हें ये तो सीक्वेंस पता ही है, राइट, 0.1 रख के देखो, देखो क्या कि तुम्हारा जो है बेस्ट एड कम आ रहा है हाई क्यू से, या फिर एक बार एफ को मैक्सिमम रख के देखो, देखो क्या हाई क्यू बेटर आ रहा है बेस्ट एड से, जिस कंडीशन में ज्यादा आ जाए वो कंडीशन आपकी ट्रू, राइट। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं ऑब्जर्व करके देख पा रहा हूँ चीजों को, और मुझे लग रहा है क्या कि आपका जो है जो कॉम्बिनेशन चलेगा वो वेट्स का, वो किस हिसाब से चलेगा, आर आई पी एफ, राइट, ये आपका एक ट्रेडिशनल कॉम्बिनेशन होना चाहिए, ठीक है। अब बाकी कुछ बचा नहीं है सेट में, राइट, अब देखते हैं क्या है, वेट्स क्या क्या गिवन थे, 0.1, कौन टू कौन थ्री, ठीक। कह रहा फैकल्टी क्वालिटी पैरामीटर में का क्या वेट है, यार फैकल्टी क्वालिटी है सबसे आखिरी में, राइट, तो ये 0.4 है, ये 0.3, ये 0.2, ये 0.1, राइट, तो क्या हो गया 0.1। फिर कह रहा है हाउ मेनी कॉलेजेस हैव स्कोर बिटवीन 31 एंड 40 बोथ इंक्लूसिव, कह रहा है यार 31 से लेके 40 तक ऐसे कितने कॉलेजेस हैं जिनका ओवरऑल स्कोर ये है, राइट। तो देख सकते हो, अब अगेन ये पूरा क्या है, कैलकुलेशन इंटेंसिव है, ठीक है। मैक्सिमम ग्रेड क्या है, ए यहाँ लिख दो 0.1, ये है 0.4, पी है आपका 0.2 एंड आई है आपका 0.3, राइट। अब पहले देखो तुम्हें निकालना है यार क्या 31 से 40 वाला, राइट, ठीक है। तो देखो यार अब फटाफट जस्ट अ सेकंड, थोड़ी सी जगह बनाने दो, 31 से 40 वाला, राइट। तो देखो अब ए का स्कोर क्या है, तो अब देखो ए क्या है यार, ए का 50 पॉइंट है, तो ये कितना होगा 5, अब ये 50 इंटू 0.4 होगा ये 20, 50 इंटू 0.2 ये होगा 10, एंड अब बी है तो ये हो जाएगा 12, क्योंकि बी का 40, तो ये होगा 25, 25 प्लस 10 35, 35 प्लस 12 दैट इज व्हाट 47, राइट। अब इसी तरह से यार तुम्हें बताना है क्या इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, यार 31 से 40 वाले कितने, तो यार आपको मैनुअली सॉल्व करना है, बता, ये क्वेश्चन होमवर्क रहेगा, आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दो। क्वेश्चन है व्हाट इज द हाईएस्ट ओवरऑल स्कोर अमंग द 8 कॉलेज, यार आपके पास जो 8 कॉलेजेस हैं उसमें हाईएस्ट ओवरऑल स्कोर क्या है, तो ये तो मुझे पता है 47 है, यार हाईएस्ट ओवरऑल स्कोर उस कॉलेज का होगा जिसे मैक्सिमम ए मिले होंगे, मैक्सिमम ए कहाँ कहाँ दिख रहे हैं, एक तो मुझे एजुकेशन एड में दिख रहा है एंड एक फैंसी में, राइट, इन्हीं में से कोई एक कॉलेज हो और एक अपना A1, तो 47 अभी चल, ए का वेट है 50, तो ये आएगा 5, राइट, ये आएगा 0.2, फिर है आपका बी, ये है 40 का, सो यार 40 इंटू 0.2 ये होगा 8, राइट। देन इसके बाद एक सेकेंड, राइट, ये आएगा 20, राइट, देन इसके बाद है ए, तो ये होगा 15, यार कितना हो गया, ये हो गया आपका 25, राइट, प्लस 8 प्लस 15 कितना हो गया 48, ये आया 48। अब आओ फैंसी पे, सो 50 इंटू 0.15 5, राइट, ये हो गया 50, तो ये हो गया 20, बी है 40, तो ये हो गया आपका 8,
एंड ये भी है 40, तो ये हो गया आपका 12। शेयर कितना है ये, 25 + 20 दैट इज 45, राइट। तो ये हो गया स्कोर सर। मैक्सिमम कहाँ है, दैट इज 48। तो मतलब यार ये है 48, राइट। अगला है, हाउ मेनी कॉलेजेस रिसीव द एक्रीडेशन ऑफ ट्रिपल। अब यार इसका लिंक जो है आपका इसी वाले क्वेश्चन से, जब आप ओवरऑल स्कोर निकालोगे ना एक एक करके जो मैंने आपको होमवर्क में दिया है, राइट। तो आपको बस ये देखना है जो ओवरऑल स्कोर है किसका 45 से ज्यादा आ रहा है। तो यार जिन जिन कॉलेजेस का 45 से ज्यादा आ रहा है या ग्रेटर देन इक्वल टू 45, राइट, मतलब इक्वल टू भी है, तो उन्हें ट्रिपल ए एक्रेडिशन, राइट। तो वही चीज है, आपको बस काउंट करके बताना है। ये भी होगा, ये डायरेक्टली लिंक्ड है क्वेश्चन टू से। क्वेश्चन टू में कैलकुलेशन सही है तो ये क्वेश्चन फोर तुरंत हो, राइट। तो गाइज ये एक सेट था आपका कैट 2018 का DILR का। आई होप कि आपको समझ में आया होगा सेट को कैसे करना है। मेन चीज बस ये थी कि यार आपको कैसे केसेस को मिनिमाइज करना है और वो RIPF वाला सॉल्व करना, राइट, कि R इज ग्रेटर देन I इज ग्रेटर देन P ग्रेटर देन, राइट। कहीं भी कंफ्यूजन हो इस टाइप की चीजों में कि यार कैसे ग्रेटर देन हो रहा है या फिर लेस देन हो रहा है, तो यार मैनुअली वैल्यूज को अज्यूम करना, राइट, जो भी मैंने बताया। ठीक है, थैंक यू गाइस एंड ऑल द बेस्ट।